सिंगर में का म्यूजिकल्स हैं आपके फिर हमारे बहुत ही जबरदस्त रिस्पेक्टेड कंपनी की तरफ से जिसका नाम है प्रिया वीडियो अपने प्रिया ऑडियो के प्रिया वीडियो वीडियो ही इनका मशहूर रहा है लेकिन इनका बड़प्पन है कि अभी ऑडियो में भी आ रहा है और हमारे शायद हमारी ही शुरुआत हो रही बहुत अच्छी बात है प्रिया वीडियो की तरफ से हमारा ऑडियो आ रहा है और गाने आप अब दिल दिल सुनी रहे देख ही रहे तो बहुत अच्छा है इसरार भाई हमारी फिल्म को ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत हेल्प कर रहे हैं जोरदार तालियां मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर देखे हैं लेकिन कोई हेल्पफुल नहीं होता है इसरार भाई आप हेल्प कर रहे हैं भगवान मालिक आप हमेशा बड़ी बड़ी फिल्में देते रहे और आप हमेशा आगे बढ़ते रहे नंबर वन तो है ही आप हमेशा नंबर वन बने रहे वसीम भाई लेके आ गए हैं आप सबके मोबाइल में जो सिम है वो वसीम ही है मतलब मोबाइल में इनका जैसे नंबर सबका फीड होता है इनका तो सिम फीड है इतने अपने हमारे चाहते हैं सब फीड और दूसरे सब फीड सभी भाई हीरा पन्ना में रहते हैं तो हीरा पन्ना में हीरा यही है पन्ना पता नहीं कौन है और पप्पू भाई के बारे में क्या कहूँ पप्पू भाई झारखंड और बिहार के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मैं समझता हूँ कि इतना हैंडसम डिस्ट्रीब्यूटर मैंने पहली बार देखा डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं आप लोग कहते हैं ये नहीं आपकी फिल्म पूरी दुनिया में कहा ले कहा रहे थे आप धारा जी देखिए पप्पू भाई आप इतने हैंडसम हैं उतना ही आपको सुंदर आपका दिल भी है पप्पू भाई का जोरदार तालियां और मैं समझता हूँ कि बिहार हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड जगह है बिहार जो है हमारे बहुत स्पेशल जगह है क्योंकि बिहार की धरती पर हमारे कॉमेडी के गुरु लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं हमारे भांजे के जोरदार तालियां बहुत मेहनती भांजे आ जाओ जिनकी शक्ल देखकर ही नशा छा जाता है ये वो भांजा है समझ लेते कि भांजा है चरण गांजा तो भांजे ने बहुत मेहनत की है प्रिया वीडियो की तरफ से बहुत भागदौड़ की है पूरा गाना बनाना पूरा खेलने का आर्ट बनाना वीडियो बनाना तो थैंक यू भाई भांजे की बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबकी वजह से आज ये महफिल हो पाई है हम तो वही कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं सब मेरे बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं सब लोगों ने बहुत मदद की तब जाके हमारी फिल्म आज 19 जुलाई को रिलीज होने वाली है आप सब लोग आए हमारा कीमती वक्त निकाल कर कुछ लोगों ने अपना कीमती वक्त जाया किया कुछ लोग कीमती बना रहे हैं कुछ लोग कीमती बना रहे तो वक्त सबने अपना अपना वक्त दिया है मैं समझता हूँ कि आज के जमाने में हर आदमी मोदी जी का लकी मोदी जी का लकी नहीं होता है इसका अपना फर्क होता है हम लकी है कि अपना वक्त है तो वक्त जो है जिसके पास में हो और आप लोग वक्त अपना मुझे दे रहे तो जरूर अपना वक्त आएगा अपना टाइम आएगा आगे और 19 जुलाई में फिल्म आ रही है बिग बॉस आपको पता ही होगा देश के नहीं पूरी दुनिया के 75% लोग इस समस्या से प्रॉब्लम में है बालों की समस्या से जिसके बाल गिर रहे हैं ऑफिस में जलील हो रहे हो मोहल्ले में जलील हो रहे कोई ना टकलू कहता है कोई गंजू कहता है कोई कहता है कि मुझे चमन कोई कहता है कौन केस अभी मुझे इस बात कहते हैं तुमने कॉमेडी फिल्म क्यों बनाई आजकल तो बाइबी का जमाना है ये बाइबी की है ये हर गंजी की कहानी तो बाइबी साइन करने में जब मैं कलाकार के पास में गया तो सुबह जब मैं राखी के पास गया तो राखी ने कहा ये बताओ मेरे लिए क्या आइटम डांस है कहा आइटम डांस में इस बार तुम्हारे लिए फिल्म में वो है जो तुम्हारे पास है ही नहीं बोले क्या कैरेक्टर चरित्र कैरेक्टर मतलब एक्टिंग क्या सोच रहे आप क्या सोच रहे उन्होंने आज तक एक्टिंग की क्या एक्टर फॉर्म की ना तो मैंने कहा मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ आप एक्टिंग करोगे आप लोग गलत को सोच रहे प्लीज जरूर लगा दूंगा फिर मैं मास्टर जी के पास गया गया मास्टर गणेश जी के पास अरे क्या बोल क्या चाहता है तू क्या चाहता है बोल कोरियोग्राफी चाहता है नहीं सर मैं चाहता हूँ कि आप इस फिल्म में एक्टिंग करें क्यों मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में वजन है इस फिल्म में वेट है मेरे मोटा भी क्यों सर नहीं सर आपका नाम गणेश है मुझे इस फिल्म में गणेश का नाम पड़ जाए इस फिल्म में गणेश वजन नहीं है वजन और भजन दोनों आ जाएगा आप लोग रिस्पॉन्स भोजन भी आ रहा है
कुछ लोग अभी परेशान ऐसे कि मेन चीज नहीं आ रहा, ये सब तो आ रहा है लेकिन वो नहीं आ रहा। तो गाने जो है बड़े अच्छे गाए गए, उदित नारायण जी के लिए जोरदार तालियां, वहां तो भी आती होंगे। हम सब कॉमेडियंस के बड़े चाहते, हाईलाइट ये है कि वो भी हम कॉमेडियंस को बहुत पसंद करते हैं। उदित जी मतलब शशि भाई, उदित जी ऐसे ऐसे कॉमेडी को पसंद करते हैं जो जिनके नाम भी नहीं है। मतलब जो हम लोग, जब मेरी जो मुलाकात हुई थी उनसे, तो मैं बोल के मिला था उनसे फुटपाथ कहीं से गाना गा के वो निकल रहे थे, उन्होंने कहा सर मैं सुनील पाल में बिक्री करता, ये बहुत पहली बार लाटो नहीं आया था। अरे वाह क्या बात, पहले चपल अब चाहते मैं कॉमेडी में बिक्री करते, क्या बात सुना भी नहीं करते, वाह इस लेडी के बारे में क्या कहूँ, ये लड़की दिल की साफ है, दिमाग की भी साफ है, मतलब दिमाग में कोई गंदगी, कितनी साफ सुथरी लड़की है। तो आज तुम्हें हमारे फिल्म का म्यूजिक रिलीज हो रहा है, कुछ कहना है म्यूजिक के बारे में, गानों के बारे में? तो बोलो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली सुनील जी का और जितने भी मेरी टीम थी उन सबने मेरे साथ काम किया, उन सभी का थैंक्स बोलना चाहूँगी। और सुनील जी का इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपनी मूवी में कास्ट किया। और आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है, आप लोग मूवी देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मूवी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है और इस साल की आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा लाफ्टर वाली मूवी है, तो आप लोग प्लीज जाइएगा। पहली लेडी जो इतना कम बात तो आपने सभी ने क्या तरह कोई ऐसी चीज दी जो नजदीक पास है और कोई साथ बैठ जाते अब कोई हमारे बिहार और झारखंड के हैंडसम डिस्ट्रीब्यूटर दादा माइक माइक्रोफोन दे दीजिए, दूसरा माइक जो हाँ मैसेज कर दीजिए। आपके घर पे जाके फिल्म बनाने की योजना बनाओ और कुछ फाइनेंस की कमी हो तो एक मसीहा और भी निर्माण हो रहा है जो जिन्होंने एनजीओ खोल लिया है सपोर्ट करने के लिए, वो है हमारे अनिल जी। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों दो दो शब्द कहें ताकि फंक्शन की हम शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले शुरू में नहीं शुरू मान लूं मैं बोलनी चाहिए परेशान को भी बहुत सुनील के बारे में कहते हैं, हर बार आप लोग खूब सुनते हैं सबको पता है, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है योगी भाई कि स्टैंड अप कॉमेडियन में हिम्मत करना और फिल्म बनाना, तो हमारे कॉमेडियन में इनकी पहली फिल्म है जो प्रोड्यूस की है और ये बनाते हैं, डायरेक्ट भी किया नहीं डायरेक्ट भी किया, तीनों तीन फिल्म बना चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जब भी कोई फिल्म बनती है, चाहे यश चोपड़ा की बने, चाहे संजय लीला भंसाली की बने, चाहे सुनील पाल की बने, किसी की बने, लेकिन काम उसमें सबको मिलता है, एक रोजगार क्रिएट होता है ना, चाहे हमारे टेक्नीशियन टीम हो चाहे कैमरा मैन हो, वो अलग ही ये कमी देता है। तुम्हारे रोजगार कब क्रिएट होगा, तुम्हारे रोजगार कब क्रिएट होगा, आप लोग फिल्म देखने आएंगे तो ये बेरोजगार रोज से लग जाएगा। सो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ सुनील को इस बेहतरीन प्रयास के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, बीच पीछे चाहे जो बात हम लोग करें या कोई कुछ भी करे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और हम सबको मिलके सुनील का साथ देना चाहिए और ईश्वर के साथ है। बहुत बहुत बधाई सुनील, बिग बॉस के लिए जी कुछ दो शब्द।
दोस्तों गुड इवनिंग की ओर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई ने जो आज अभ्यास किया है मैं तहे दिल से उनका मुबारकबाद देता हूँ एंड तीन फिल्में ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा इट्स समथिंग अभी जो इन्होंने थॉट लिया है बिग बॉस अमेजिंग और सबसे बड़ी बात एक साफ सुथरी पिक्चर बनाना आज के दौर में अपने आप में काबिल तारीफ है सुनील भाई उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में आप और अच्छा काम करें एंड इन द इयर्स टू फॉलो देयर शुड बी वन नेम इन द प्रोडक्शन फैसिलिटी द फिटिलिटी कि भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड सुनील पाल डूइंग समथिंग वंडर्स फॉर फिटिलिटी थैंक यू सो मच सरिता जी प्रोड्यूसर हमारी आ चुकी है प्लीज आइए भाभी जी का जोरदार ताली बजा दीजिए स्टेज पे आ जाइए मेन माली जी से आना है अशोक जी का जोरदार ताली अशोक जी आइए आइए हमारे बहुत ही प्यारे मित्र अजीज मित्र और बहुत ही टैलेंटेड कलाकार जिनका फन का लोहा हम सभी बहुत मानते हैं और मुझे लगता है कि ऐसा टैलेंटेड कलाकार हमारा दोस्त है ये हमारा सौभाग्य अशोक जी दो शब्द आप कहना चाहेंगे और कहिए प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद और अक्सर जब भी अपने दोस्त याद आते हैं तो जैसे ही मुझे स्टेज पर देखते हैं पहुंच जाते हैं ये कुछ न कुछ कुमार सानू और शब्द कुमार की बात करेगा और सिचुएशनल होता है मैं करूं क्या आज म्यूजिक लॉन्च है और कंपनी का नाम है प्रिया तो कुमार सानू साहब याद आ गए ओ प्रिया ओ प्रिया प्रिया ताली बजा दे ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया प्रिया खाली ही बैठो बस प्रिया बहुत धन्यवाद अच्छा सुरेश वाडकर जी होते तो लड़के ओ प्रिया प्रिया ये डी मेजर था तुमने माइनर कर दिया क्यों भुला दिया बेवफाया बेरहम क्या बात क्या कहूँ तुझे सनम तूने दिल तोड़ा है भूल क्या हुई ये बता जा ओ ये मौका दिया सुनील भाई थैंक यू सो मच फॉर दैट लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा बहुत शॉर्ट होना चाहिए क्योंकि सारे धुरंधर लोग हैं और ऐसे धुरंधर के बीच एक दो दोस्त याद करता है तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और बाकी सुनील पाल के बारे में सब लोग जानते हैं इन शॉर्ट सिर्फ खत्म करूंगा दो शब्द कहेंगे कि सबसे पहले तो सैल्यूट टू राजेश श्रीवास्तव जी एक बार सचमुच जिनके हाथ खाली है मेरी तरफ से राजेश श्रीवास्तव जी के जोरदार ताली जिनके हाथ है हाँ जिनके हैं जी 1992 के दौरान जब मैं नया नया बहुत कम एज में आया था राजू भाई खुद भी बच्चे थे और मैं पब्लिकली अक्सर बोलता हूँ अक्सर बोलता रहूंगा सचमुच मैं लावारिस था खाने को खाना नहीं था रहने को घर नहीं था राजू भाई ने बहुत छोटा सा एक फ्लैट खरीदा था अपनी जिंदगी की कमाई से 3 लाख रुपए का छोटा सा फ्लैट दैट टाइम जो बहुत बड़ी बात थी इन्होंने बिना पहचान के मुझे बोला कि बस तुम इंसान अच्छे लगे आ जाओ मेरे घर में रहो तो साथ में हम राजू भाई के साथ रहे 92 से तो सैल्यूट टू राजू श्रीवास्तव जी थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड सेकंड कम टू द पॉइंट अबाउट सुनील पाल सुनील पाल के बारे में 2 मिनट सुनील पाल खुद ही सुन रहे हैं जी सुनील पाल के बारे में कहना चाहूंगा लाफ्टर चैलेंज से बहुत पहले जब 96 में आए थे नया नया तो हम लोग हमारे लिए मुलाकात हुई और ये मुझसे बोलते थे यार राजू श्रीवास्तव है क्या घर पे क्योंकि हम साथ में रहते थे क्यों ऐसे ही चाय पीते मिलते हैं मैंने कहा आओ भाई मिलते हैं तो गए मिले बैठे ये तब से इंट्रोडक्शन है 96 से उस वक्त सीरियस ना मैं इनको लेता था ना ये लेते थे एंड आफ्टर दैट लाफ्टर चैलेंज आया उसको विन किया और रात दिन 2005 से लेके अब तक हम लोग आप बिलीव करना रात रात भर जग के अगर किसी को काम करते हुए देखा और ये डेडिकेशन देखा अबाउट हिज वर्क दैट इज सुनील पाल तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुनील पाल फॉर दैट
एंड रियली मुझे सुनील पाल ने इंस्पायर किया कि आपको अपने काम से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। मैं कितना सक्सेस हूं आई डोंट नो, बट जो कुछ हूं सुनील पाल ने मुझे इंस्पायर किया था। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, लव यू ब्रो। थैंक यू अशोक जी। वीआईपी रात 2 मिनट के लिए आ जाइए, हम लोग फंक्शन इसके 5 बजे शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी तारीफ की जाए। हां सुनो, सबसे यही शर्त है कि सिर्फ तारीफ करना, ठीक है? सबने इतना अच्छा अच्छा बोला है, मेरे तो कुछ बचा ही नहीं है। राजू भाई ने बोला, एहसान भाई ने बोला, सबने बोला, सबने बोलने वाले बोले बोलेंगे तो कविता के साथ में बोलेंगे। ऐसा जब फिल्म मेरे लिए बनी है, लेकिन बहुत अच्छा। मेरे भाई जिस समय सुनील भाई ने मुझे कॉल किया था फिल्म के लिए, उस समय मैं कहीं और था मैं, लेकिन आपकी तो गाइड तो जुलाई नेक्स्ट मंथ की बुकी हुई है। हम दोनों से छोटी शक्लें लेकर वापस आए और उसके बाद हमें कोई फ्लाइट ही नहीं मिल रही थी, तो ऐसे हमारी मुलाकात हुई और हमने टाइम स्पेंड किया और मुझे पता लगा कि सुनील जी इतने स्वीट है और बहुत ही हम्बल है और बहुत ही अच्छे इंसान है। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस और दिल जुलाते हैं सबका, तो दो लाइन उसी के ऊपर सुना देती हूँ। यस, होगा तालियां। यस, पहले दिल चुराते थे, अभी भी चुरा रहे हैं। जितने मित्र यहाँ बैठे हुए हमारे दोस्त मेहमान, सबको नमस्कार। और इस म्यूजिक रिलीज के लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, सुनील पाल को। ये बहादुर आदमी है यार, इसने हम लोगों का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो काम हम कभी नहीं कर सकते, वही काम कर दिया। इतनी फिल्में रिलीज कर ली है और भी फिल्में बनाएंगे, ये बहुत बड़ा काम है। मैं कभी सोचता हूँ कि ये बहुत मेहनत का काम है और हिम्मत का काम है, हिम्मत वाला काम है। ये मानेगा नहीं, बनाएगा नहीं, बनाएगा जरूर। तो ये इतने लोगों को कंट्रोल करना, फिल्म बनाना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात। और मेरी दुआ है कि ये म्यूजिक भी है चले और फिल्म भी चले। मे गॉड ब्लेस यू। चटनी आई है, चटनी राजू मतलब लूट ले। मैंने कहा भाई खा रहा हूँ, अरे ये छोड़ दिया ऐसा, मेरे को लगा कितना बड़ा गुनाह कर दिया। ये छोड़ दिया, ये अच्छा, हर आदमी की एक कमजोरी होती है कि वो सोचता है कि हमेशा मैं वही रहूंगा, यंग रहूंगा। वो वीक पॉइंट पकड़ के ये गाएगा ना।
जब लोग कहते थे कि घर में मेहमान आए तो मैं खाना खाऊं, आज लोग कहते हैं कि मेहमान जो बैठा है ये चला जाए तो मैं खाना। मैं कहते हैं राजपाल भाई उदित जी जरा दो लाइन आइए, उदित जी इतने जोरदार तालियां प्लीज। अरे आ गए और जोरदार जोरदार तालियां। सभी को प्रणाम करता हूं। थैंक यू जी। नहीं नहीं आप मैं पहले सुनना चाहता हूँ। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं सुनील कुमार जी मेरे खास में और यहाँ पे सारे कमेटी के बादशाह बैठे हुए हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ बिग बॉस के लिए, और आज बिग बॉस का म्यूजिक लॉन्च है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कि इसमें लिखा हुआ है कि ये फिल्म देखने के बाद आपके गए बाल वापस आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद आपके बाल वापस आएंगे ही नहीं। कहने का मतलब हंस हंस के लोग सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा ये फिल्म बनाते हैं और हमेशा ये कामयाब भी रहते हैं, और उससे भी खुशी की बात यह है कि हमेशा अपने फिल्मों में इन्होंने हमेशा मुझे गवाया है। तो मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली और इनके टीम के लिए जोरदार ताली और शुभकामनाएं। हमारे राजपाल यादव साहब टॉप एक्टर सामने खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि दो शब्द आप भी उनके लिए बोले। जब आप जैसे टॉपों का खड़े हो सामने तो हम क्या बोल सकते। यहाँ पे जो हमसे उम्र में बड़े हैं मैं उनको सादा स्पष्ट करता हूँ कि सब अग्रज हैं, जो हम उम्र हैं उनसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूँ, और जो उम्र में छोटे हैं लेकिन वो समझते हैं कि हमसे आगे तो बड़े तो उनके लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ उनको सदबुद्धि। ये बहुत ही अच्छा अवसर है जहाँ पे हमारे अग्रज जानी भाई और राजू भाई और ऐसे पीआईपी इतने सब बैठे हुए हैं हमारे, कि जिनके पिछले 10-12 दशक से बोलते हैं ना कि एक ऐसा कैरिकेचर के माध्यम से और एक बैठे हुए आदमी के अंदर एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह करें कि आदमी जो है कुर्सी से बैठ के हंस हंस के खड़ा हो जाए, जिसको स्टैंड अप बोलते हैं, और उस स्टैंड अप को करने के लिए कभी लाफ्टर चैलेंज के रूप में, कभी कॉमेडी सर्कस के रूप में, कभी आइटम के रूप में, कभी कहानी के रूप में, कभी इवेंट के रूप में, ऐसे हजारों एक्टरों का, हजारों टैलेंटेड हमारे देश के उन भाइयों का बहनों का जिनके घर गाड़ी
उस स्टैंडअप से खड़े हुए हैं और उसको अप करने के लिए जिसमें उसका जनक बोला जाता है वो जनक भी बैठे हुए हैं। जनाब जॉनी भाई ये ऐसा जॉनी भाई इधर आइए, राजीव भाई आप इधर आइए, क्योंकि ये जमात ऐसी जमात है जिसमें मैं अपने आप को, सुनील ने हमेशा बोला कि राजपाल भाई एक रोल कर लो एक रोल कर लो, मैं हमसे कहता हूँ कि रोल तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतने स्टैंड अप हैं कहीं मैं गिर ना जाऊँ मैं खो ना जाऊँ, इसलिए ये कमाल की टाइमिंग है इन सब की और इसमें मैं अपने आप को फिट नहीं पाता हूँ, लेकिन जिन लोगों जितने लोग इसमें फिट हुए हैं पूरे देश में गली में स्टैंड अप शुरू हुआ है, आज गलियों गलियों होता है छोटे छोटे इवेंट ग्रुप में होता है, उस सबको खड़े करने वाले हमारे लेजेंड गानी भाई। मैं पिछली फिल्म में भी आपका मेरा ये परिवार है, मैं कर पाया फिल्म नहीं कर पाया लेकिन मैं अपनी सहभागिता निभाकर जिंदी साहब को इसराल भाई को और जितनी भी पूरी टीम है हमारे ग्रुप का नाम है बिग बॉस, मैं ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बिग बॉस में जो है आपको इतनी मजा कराए कि बगैर रुपए के आपके पास जमा क्योंकि तो बात तो आजकल बन जाते हैं रुपाई हो जाती है लेकिन हंसी का तारतम्य इतना अच्छी रगों में सबके इतना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन करे कि आपके सबके बाल जमाए, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ और आप सदा बढ़ते रहें यही, और मैं आपके साथ हूँ आपके काफिले के साथ हूँ और आप इस फिल्म को कर रहे हैं मैं आपके सामने जो है आगे बैठ के दर्शकों में ताली बजाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमारी बहुत तारीफ की लेकिन आप बहुत बड़े एक्टर, गॉड ब्लेस यू सर, इंडस्ट्री में बहुत बड़े एक्टर, थैंक यू, कामयाबी है हमारी। जॉनी भाई को आज बहुत सारे प्रोग्राम थे लेकिन जब उन्होंने मैंने उनसे रिक्वेस्ट कहा तो वो उन्होंने अपना बहुत सारा प्रोग्राम यहाँ आ करके अपना स्क्रीन के रूप दिया है, मैं समझता हूँ धन्यवाद जॉनी भाई और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हम पर हमारी बने रहे और वो तो मैं सब जवाब दूंगा लेकिन जॉनी बिग बॉस के कैरेक्टर को देखिए ये कहना चाहता हूँ कि ये 75% जनता जो पूरे दुनिया में ग्रसित है बाल जाने की समस्या से, धीरे धीरे जब उनके ज्यादा से ज्यादा बाल जाते हैं आधे से ज्यादा बाल जाते हैं तो लोग उनको उनके नाम से ज्यादा उनके पेट नाम से पुकारते हैं, कोई कहता है टकलू कहता है, कोई कहता है चांद मामू, कोई कहता है उजड़े चमन, कोई कहता है गौन केश, कोई कहता है गंजा, अच्छा भाई
तो ये तो, और फिर वो क्या क्या इलाज करता है, क्या क्या दवा करता है, कैसे कैसे क्या क्या करता है, जरी मैंने वाइट भी दी, राजू मैंने वाइट भी दिया, क्या क्या होता है। तो निराशाजनक कहानी को कॉमेडी के जरिए हमने पेश किया, और कैसे फिर उन निराशाजनक कहानी आगे चल के फिल्म के दरमियान पॉजिटिव हो जाती है म्यूजिकली कॉमेडी फिल्म में। बिग बॉस आप देखेंगे तो आपको, जैसा हमने स्लोगन बताया कि ये फिल्म देखने से आपके गए हुए बाल वापस आएंगे, कैसे, ये इस फिल्म का एक मुद्दा है, जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको। कैश बैक गारंटी, कैश बैक, कैश बैक नहीं, कैश, मनी बैक के बारे में, मनी बैक के बारे में राजू भाई कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म देखकर आप, आपकी, मैं ये कहना चाह रहा था, भूख जाएंगे, मैं ये कहना चाह रहा था, हजरत के भूख जाएंगे, हजरत के भूख जाएंगे, हैप्पी बर्थडे का बाल भूख जाएंगे। ये सुनील पाल की तीसरी फिल्म है और बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और जैसा जानू भाई ने बताया, ये हमारे स्टैंड अप वालों में ये पहला बंदा है जिसने इतनी हिम्मत की, सबको इतनी बड़ी स्टैंड ली, इतनी बड़ी स्टैंड ली स्टैंड अप मैन होने के बाद, और बहुत लोगों को काम मिला। और जब भी कोई फिल्म बनती है तो आपको पता है हमेशा बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, अपनी प्रतिभा को सामने लाने का मौका मिलता है। राजू भाई, किस तरह से सुनील पाल को कॉमेडी स्टाइल लगा दी जाए तो सब काम नहीं देंगे मूवी, अब तो शो बनाना शुरू। स्टैंडिंग कमेटी है ये हमारी, और ये कमेटी हमेशा स्टैंडिंग रहेगी, हर रोने वाले के सामने सपोर्ट में खड़ी रहेगी। तो जब तक दुनिया में रोना है तब तक हंसना है, और जब तक हंसना तब तक स्टैंडिंग कमेटी है। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर इवेंट से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर इवेंट से पहले ऑर्गेनाइजर कलाकार से खुद पूछे, बता तेरी पेमेंट क्या है। तीसरी फिल्म है, पहली फिल्म में सुनील भाई ने 15 दिन लिए मेरे, दूसरी फिल्म में डिमोशन हुआ केवल 4 दिन लिए, और इस फिल्म में 2 दिन के लिए बोला, लेकिन मैं तीनों फिल्म में रहा, लेकिन शुभकामनाएं देता हूँ। एडवांस ले लेते नहीं, वो अंदर की बात है, पढ़ाई में ये मैट्रिक, पढ़ाई में मैट्रिक नहीं कर सके, फिल्मों में हैट्रिक कर ली। और इसलिए पूरी टीम में जोश है क्योंकि फिल्म का नाम बिग बॉस है, तो हम दुआएं करते हैं कि खूब चले फिल्म भैया, और इनका पैसा लगा हुआ वापस आ जाए, म्यूजिक से ही वापस आ जाए, फिल्म चले तो फिर चौथी फिल्म की तैयारी भी कर ले, इतना आ जाए, हम शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी 2 दिन में काम किया, नहीं चलो 30 दिन में नहीं कर पाते। मेरे खुद के बाल जा रहे हैं, मेरे खुद के बाल झड़ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये बायोपिक मैंने कहा ना, इट्स अ बायोपिक, ये हर गंजे की कहानी है, ये फिल्म सत्य घटनाओं पे आधारित है। हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि आपने कहा कि जो फिल्म देखेगा उसका बाल तो उग जाएगा, हाँ तो जाएगा नहीं, जो जा रहा था वो रुक जाएगा। बिल्कुल, जो मैंने, जो मैं जो जो कुछ भी ट्रीटमेंट अपने मन में कर रहा हूँ वो मैंने दिखा रही है। यस, अप्लाई करिए। और ये फिल्म आप, हाईलाइट ये है कि बिग बॉस फिल्म इतनी साफ सुथरी है कि आप बाल कलाकार के साथ भी जाते हैं और ना बाल कलाकार के, मतलब बुजुर्ग के भी साथ जा सकते हैं, पूरी साफ सुथरी फिल्म है। हमारी फिल्म को जॉनी भाई AU सर्टिफिकेट मिला है, मतलब बच्चे भी देख सकते हैं, बुजुर्ग भी। वाह वाह, ओनली यू AU AU इसलिए जसलीन भी अनुप जी के साथ जाके देख सकती है। मतलब मैं वहाँ पर बिग बॉस में और अनुप जी कर रहे थे और सुनील जी यहाँ पे बिग बॉस पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई मामूली बात नहीं है, आपने अनुप जी का कैरियर बना दिया दोबारा। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है जी, मैं नहीं मानती है। अनुप जी तो वैसे ही बहुत पॉपुलर है, हमारी पूरी कंट्री, बाहर भी पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। बट हाँ, ये है कि बिग बॉस में आने का ये होता है एक बहुत अच्छा फायदा, ये होता है कि लोग आपको आपकी कला से तो जानते ही हैं लेकिन आपकी नेचर से भी जानते हैं और आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और बाहर आने के बाद लोगों ने मुझे भी बहुत पसंद किया है मेरी नेचर के लिए एंड बिहेवियर के लिए, एंड थैंक यू सो मच। दिलीप जी क्या कहेंगे? भाई मैं यही कहूंगा, जब इन्होंने फिल्म बनाई तो म्यूजिक नहीं मगर मेरे से दुआएं जरूर ली। मगर एक बात जरूर कहूंगा कि इस तरीके से जैसे सुनील पाल जी खड़े हुए हैं फिल्मों में, मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं रहेगा कि हर आदमी इनकी फिल्म से कुछ ना कुछ सीखेगा और हम जैसे को काम मिलेगा।
जब भी कोई टकला देखू कोई सुनील पाल बोले बिगला बिगले बिगले बिगले, मुझे लगा कि जब भी कोई टकला देखे ऊपर से गिर गया ओले 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 बिगले कामे साहब भी आ गया। अरे कामे आले सबसे जवान लड़ा। जॉनी भाई से कोई भी और सवाल कर रहा हो तो करिए, क्योंकि जॉनी भाई को जगह और जाना है और हम सब धन्यवाद करना चाहेंगे जॉनी भाई के। थैंक्स। और मीडिया का भी धन्यवाद। आपका नाम? सॉरी, शबीना जी, क्या कहना चाहेंगे सुनील पाल जैसे मास्क लगा रहे हैं, मशहूर हैं और इतने अच्छे खाने का ऐसा काम करना चाहते हैं? प्रभा जी, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात आती है सुनील जी की, तो ही इज़ ए नाइस गाय और बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे इस मूवी में लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मेरे फादर सुनील जी के बहुत बड़े फ़ैन थे, क्योंकि सुनील जी का जो अपना रतन नूरा है बहुत हिट था, तो हम लोग मैंने उनको हमेशा टेलीविज़न पे, उनको एहसान जी को, बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको टेलीविज़न पे ही देखा था। बट आज मैं उनके साथ काम कर रही हूँ तो मेरे लिए गर्व की बात है। और बस दुआ कर रही है आप सब भी और आप लोग भी कि मैं इसी तरीके से काम करूँ आप लोगों के बीच में रहकर, और आपका भी और खुद का भी नाम कमाऊँ। देखिए पहले जो काम किए हैं हम सीरियल्स वगैरह, एड वगैरह, बट फिल्म की बात कहूँ तो सुनील जी के साथ की मेरी ये पहली फिल्म है और बहुत बड़ी फिल्म है, रिलीज़ हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पर मूवी बनाना आसान है मगर उसको रिलीज़ करना बहुत मुश्किल है। कई लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं और रख देते हैं, मगर मैं इस चीज़ के लिए सुनील जी को बहुत बहुत दिल से दुआ करती हूँ कि सुनील जी इसी तरीके से आगे काम करते रहे, क्योंकि वो मूवी बनाते ही नहीं स्पेशली रिलीज़ करते, बिकॉज ऑफ उनकी थर्ड ये मूवी है। और सुनील जी की फर्स्ट मूवी जो थी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका है, उस भावनाओं को समझो सेकंड मूवी थी। थर्ड मूवी में मैं अगर इस लायक उन्होंने मुझे समझा और मुझे इस लायक समझ के उन्होंने काम दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ सुनील जी नहीं है इस फिल्म में, देखिए मेरे शॉर्ट में जितने भी मेरे साथ काम किए हैं, राखी जी के साथ तो मैंने काम नहीं किया इस फिल्म में जहाँ पे भी, मगर राखी जी के साथ मैंने सीरियल में एक बार काम किया था और गणेश जी के साथ, बाकी सबके साथ मैं डबिंग पे मिलती थी। मगर ये बहुत बड़ी बात है जो मेरा किरदार जब था और उस दौरान जितने भी आर्टिस्ट थे, जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे, तो उनके साथ बहुत मज़ा आया और मुझे 1% ऐसा लगा कि शायद मैं कहीं डगमगाती हूँ या कुछ भी, या मैं नहीं कर पाती थी, तो सब लोग मुझे रिलैक्स, नासिर साहब बोलते थे, जॉनी वाकर साहब के बेटे, कि नहीं शबीना बहुत आराम से करो, कोई बात नहीं, हम लोग भी तुम्हारी तरह ही हैं, कोई वो नहीं। तो मुझे कभी भी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि मतलब मैंने कहाँ कभी सीखा नहीं, कुछ नहीं किया, और मैं इतने बड़े लोगों के साथ काम कर रही हूँ तो मुझे उन लोगों ने बहुत हौसला अफजाई किया, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तब जाके ये मूवी मैं कम्प्लीट कर पाई थी। जल्दी मैं आप लोगों को बताती हूँ, नए प्रोजेक्ट कुछ पे बात चल रही है, तो जैसे भी वो आते हैं मार्केट में तो डेफिनेटली प्रभा जी आपको सबसे पहले बताऊँगी। बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है सुनील पाल जी ने, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के सारे कॉमेडियन इस फिल्म में हैं और मैं भी इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा हूं, तो आप सबको देखने को मिलूंगा इंशाल्लाह 19 तारीख को। तो आप लोग बिग बॉस को ज़रूर देखिएगा, आपके आसपास के सिनेमाघरों में, दूर के सिनेमाघरों में देखने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही मस्त फुलटू धमाल फिल्म कॉमेडी है और बिग बॉस का मतलब जैसे कि कहते हैं ना कैशबैक गारंटी। तो बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है दोस्तों, आप सब ज़रूर देखिएगा 19 जुलाई को, ये आप सबके नज़दीक के और दूर के सिनेमाघरों में आ रही है, और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। और सुनील पाल जी इस तरह से ये तीसरी फिल्म है, वो फिल्में बनाते रहें और आपको दिन ब दिन अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ इंटरटेनमेंट करते रहें, यही मेरी शुभकामना है और सबको मेरा प्यार, आप सबका प्यार देने ज़रूर आइएगा 19 तारीख को। क्या देखने आएंगे? वीक बॉस। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। मैं हूँ शुभम सेंगर और आज मैं आया हूँ सुनील सर के पास, जो बिग बॉस
विग बॉस तो आपने बहुत सुना होगा, विग बॉस पहली बार सुन रहे हैं तो काफी कॉमेडियन टाइप के, और विग का बात कर रहा हूँ तो देख रहे हैं तो काफी सारे बाल आए हैं आपके, इसका राज जानना चाहता हूँ कि आपने विग बॉस मूवी बनाई हो, आपका विग है क्या है ये, इसके बारे में बताइए। ये विग बॉस कहानी है गंजू की कहानी है, इट्स अ बायोपिक ऑफ गंजा, ये हर गंजे की कहानी है। 75% दुनिया का गंजा जो है परेशान है कि कैसे बाल लाया जाए, लोग चिढ़ाते हैं उनको ऑफिस में घर, मगर कैसे वो निराशाजनक जीवन से पॉजिटिव हो सकते हैं, इस कहानी को हमने हास्य के रूप में पेश किया है जिसका नाम है बिग बॉस। और इसमें काफी पोस्टर में काफी लोग दिख रहे हैं, काफी लोग आए हैं यहाँ पे, और बाकी नहीं आए तो कुछ एक्सप्रेशन फनी एक्सप्रेशन लग रहे हैं लोगों को देखने से, तो इसका काफी ज्यादा कॉमेडी होने वाला है ये जी, बिल्कुल कॉमेडी होने वाली है। फिल्म का नाम है बिग बॉस, 19 जुलाई को आ रही है, आप जरूर आइएगा देखने के लिए, बहुत ही कॉमेडी फिल्म है, बहुत ही म्यूजिकल फिल्म है, मजा आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। 19 तारीख को बिग बॉस आ रही है, आपका कैशबैक होना है, बट ये फिल्म देखने से आपके गए हुए बाल वापस आएंगे, आपका बॉलीवुड में जलवा हो जाएगा, बॉलीवुड जलवा। हाँ, अगर आपके गए हुए बाल हुआ तो देखना बॉलीवुड जलवा।